हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। पार्टी। तो हम लोग पार्टी में जा रहे थे और मैं अपना मेकअप करने वाली थी, बट अभी मैंने मेरे फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, प्राइमर लगा लिया, और प्राइमर को लगाने के बाद मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, तो उस बीच में मैं अपने हेयर्स को स्ट्रेट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना स्ट्रेटनिंग का भी एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग आप कैसे करते हो। तो हेयर स्ट्रेटनिंग तो करती हूँ मैं, ये मेरे पास फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर है, तो इसी से मैं मेरे हेयर्स को स्ट्रेट करती हूँ। और ये तो 4 या 5 साल पुराना स्ट्रेटनर है, बट अब तो मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्ट्रेटनर्स आने लगे। और हाँ, एक और चीज़, जब भी आप आपके हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेट करने के पहले या तो हेयर्स में सीरम लगा लें, या फिर एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं, और फिर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि हेयर्स को हीट प्रोटेक्शन से, हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, मैं तो पार्टी रेडी हो गई हूं। मैं कैसे लग रही हूं? पहले पूरा दिखा तो दो। ये स्वरा पार्टी के लिए रेडी हो गई है और अब स्वरा चली जाएगी बाहर। स्वरा को बीच में बहुत डिस्टर्ब करना होता है। मैं ये हेयर सीरम यूज करती हूँ। दिस इज लॉरियल प्रोफेशनल का सेरी एक्सपर्ट, और ये अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट हेयर सीरम है, और इसको लगाने के बाद हेयर्स भी काफ़ी स्मूथ दिखते हैं। सो टिल नाउ दिस इज माय मोस्ट फेवरेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सीरम लगाने के लिए सबसे पहले आपको हेयर्स को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद पहले टिप्स पर सीरम लगाना है, रूट्स पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और टिप्स पर लगाने के बाद जितना भी सीरम बचेगा वही आपको ऊपर के बालों पर भी लगाना है। हाँ, तो सीरम को मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, और क्योंकि मेरी हेयर्स की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं हमेशा स्ट्रेटनिंग के पहले अपने हेयर्स को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और रबर बैंड से हाफ हेयर्स को टाई कर लेती हूँ, ताकि मैं स्ट्रेटनिंग इजीली और कंफर्टेबली कर पाऊँ। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है स्ट्रेटनिंग करने के लिए, कि जब भी आप हेयर स्ट्रेट करें तो पहले हेयर वॉश कर लें और हेयर्स को अच्छे से ड्राई करें, क्योंकि अगर आपके हेयर्स कुछ थोड़े भी गीले रहेंगे तो आपके हेयर्स काफी डैमेज होंगे। ये देख रहे हैं आप, जैसे मैंने पार्ट लिया तो बहुत काफी छोटे छोटे सेक्शंस आपको लेने हैं हेयर्स के, और उसी के बाद आपको हेयर्स को स्ट्रेट करना है। और ट्राई कीजिए कि एक एक सेक्शन को आप 4 से 5 बार अच्छे से इसको रिपीट करें स्ट्रेटनिंग करने को। ये देखिए, जितनी बार आप अच्छे से, और एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड भी नहीं करके रखना, अदरवाइज हेयर्स जल भी सकते हैं, ऐसे आपको स्ट्रेट करके लेके जाना है और 4 से 5 बार एक ही जगह पे स्ट्रेट करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये देखिए, स्ट्रेटनिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और बहुत अच्छे से रखना है, आप जितना टाइटली स्ट्रेटनर को होल्ड करेंगे उतना ही अच्छे से आपके हेयर फ्रेश होंगे और रिजल्ट आपको उतने ही अच्छे से मिलेंगे। और सेक्शंस आप जितने पतले लेंगे उतने ही अच्छे से स्ट्रेटनिंग होगी, और जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक आपको उस सेक्शन को कंटिन्यूसली स्ट्रेट करते रहना है।
तो ये देखिए डिफरेंस दोनों साइड्स में. दिस इज दिस पार्ट जिसको मैंने स्ट्रेट किया है और ये बिना स्ट्रेटनिंग का. सो अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेटनिंग किया है, अब दिस साइड आई विल बी स्ट्रेटन माय हेयर और इस साइड को मैं टाई कर दूँ. मेरे हेयर की जितनी लेंथ और डेंसिटी है उसके हिसाब से मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं हेयर को स्ट्रेट करने के लिए. सो मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है कि मैं जब मेरे फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ और प्राइमर लगा के छोड़ती हूँ 15-20 मिनट के लिए, उसी दौरान मैं अपनी हेयर की स्ट्रेटनिंग भी कर लेती हूँ. तो मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है और थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए भी. तो आप भी ये तरीका यूज कर सकते हैं. These are my straightened hair. और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.